हाय एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल। बंधुरा तुम्हारा कम आज आशा करी भलो आई रान्ना घर और एख समय तुम्हारा सुनले सकाल मोटामुटी 9:45 है साढ़े 9:30 समय उठल तो तार कारण एकटाई कल के मित्रा सेल चल तो मोटामुटी 1:30 पर्यंत जेगे ही तरह बेटुर पापा हमें 4:00 समय और उठे दीजिए दिए बेटुर पापा और 5:00 समय गल चा कर दीते हलो बैग बिछे दीते हलो दिए तरह एक गत बिस्टि ठंडा वेदारेदिन पर मन हे मैं ना आज के ब्लग टा बनाए ठंडा ठंडा वेदार आज गरम ब्लग टा बनाई पाचिलाम ना एकदम मैं हाफसे गेम एत गरम मैं कि चलो अनेक बिस्टी हो बेटुर बापा गे दीघा कल बार दिए मन ना कल के आसब हम विकाल दिखे आसते पर सकाल बोलते फोन कर जानते हैं निजे गाड़ी नहीं जाए एक दीदी आई दीदी गाड़ी नहीं आस तो फालतू बसते कि लाभ जा पाए टाइला तो चलो और बोलो ना मोटामोटी भाई जो दीदी ख्याल रखे खावा दावा शुरू कर सब किस जेटुकू मान सामर्थ्य पा चलो तो बंधुर एन आ कि 12:00 मत 12:00 11:30 देखो चूल झाड़ते बेटुर पापा एक चिरुन नहीं गेस और बेटू एक चिरुन क्या हारिए दिए रान्ना कर पटल आलू भाजा और डाल और किछु करब ना ओटाई छिलो आर कि और कल के देखा जाबे बेटुर पापा जदि आसे तो ठीक आछे तो चलो एखन आर कि घरटा आमी झाड़ दिए दिएछि बासनो धोया हये गेछे एखाने धुयेछि तखन एतटा रोद छिलो और बेटू स्नान करा पड़ा सब हो गए वोजन टाइम हो गल आ कि तो चलो विकाल दिखे ब्लगटा कौ भाची जाब वोजन बनाब वोजन एक कम कम ही बना चलो रान्नाटा नेड़े दी तो बंधुरा देखो रेडी हुए बसे आछे एखन 9:30 हो गए देखो बिस्टी पड़े तो भेवेलम जाब क्योंकि जो पर कारेंट छो ना ये कारेंट इले तो भाला भिडियो बनिए नहीं तरह खबर खाब तो टिकटिक कर तो कटा मन है लास्ट तुम्हारे तो देखे हमें रान्ना करी स्नान करी और तो जस्ट घर भलोक झाड़ दीम ता करते सकाल देखिए चुलट उस्को खुस्को छो तो चिरुन कटे खुजिलम दोटो चिरुन आज एक बेटू पापा नहीं गेसि एक तो जानी ना वो क्या खुजते खुजते ट्राइपॉड हमारे आोटो मत तो ट्राइपॉडटार हेडटा और कि हारिए गए तो ट्राइपॉडटा वोखने वो बास्कटर ऊपर रखा छो वही बास्कटर ऊपर वोखने दोटो गामलार मजे रखा छो तो देखिए हेडटा और कि नहीं हाथ धरती हाथों खूब लड़चे तो हेडटा नहीं तो तक हमें खुजल अनेक निजे तपर बेटू हमें जानी बेटू ये हाँ तो बेटू के डेके धमका धमकी कर दिए खुजाओ कर पाए गोटा खाटे तोर मटे तो सब खुजे वो घर ये घर सब एम जेखने मैला फिली वोखने खुजे दिए पाए तक हमें कि करब बेटू के मेरे जाह तो बेटू मारा पर बेटू दादा जो बोलता जेटा जो हमें खूब अपसेट आज भिडियो टीडियो बनाए बोलिए पेट केटे जन्म दीते तब तो माय थको तो बड़ ये संगे ये कि संग तो जैसे अन् को जिनसे ना हाथ दे क्षति कर तरह ये करो भूलो करते तो यत बड़ो कथाटार कि दरकार छो बार मन मैंने जत चेषा करी ना सब किस एक मिले थको क्यों मैंने बार बार ए रकम टाइप कमेंट वही आसते ही थे तो ये माइंड टाइम पुरो डिस्टार्ब कर दे तो चलो को बेपार नहीं बिकल एक भिडियो शूट कर बेटू अनेक डिस्टार्ब पड़े तो शूट करी दोटो हमें ब्रा कल तुम्हारे संगे शेयर कर दी कारण आगो हमें यूज करी यूज करी तो भलो तुम्हारे संगे शेयर करी क्या यही कारण
আমার মতে অনেক আছে যারা হয়তো ঠিক মতো নিজের সাইজ মানে মেজারমেন্ট করতে জানে না, বা হয়তো বেবি হওয়ার পর তাদের ব্রেস্ট সাইজ ইনক্রিজ হয়ে যায়, তখন বেটি কত ডিস্টার্ব করছে, ইনক্রিজ হয়ে যায় তখন বুঝতে পারেন না। তো আমি এটাই ভেবেছিলাম যে হচ্ছে না কেন, হ্যাঁ কত আমার প্রবলেম, মার্কেটও খুঁজে পাচ্ছি না, বলতো আমাকে লজ্জা লাগছিলো। তখন আমি নিজে আর কি নেট ঘেটে বলো, ওয়েবসাইট থেকে মিত্রা থেকে বলো, মেজারমেন্ট করে এগুলো কিনি আর আমার মানে পারফেক্টও হয়ে যায়। আর সেরকম তো অবস্থা নেই যে হাজার টাকা একটা করে ব্রা কিনবো, তাহলে তো হয়েই গেলো আর কি। তাও হাজার টাকার চারটা কিনছি, এটা একটু গায়ে লাগছে, তাও ঠিক আছে, হাজার টাকার একটা কেনার মতো অবস্থা নেই আমাদের। তো চলো, এটাই বলার ছিল তোমাদেরকে, মনটা এই জন্য আমার খারাপ ছিল, এখন ভালো আছে, আমি হ্যাপি আছি। বেটু পাপার সঙ্গে এটা নিয়ে একটু বহস হয়ে গেল, কী আর বলবো, কিছু করা নেই, এসব করতে গেলে এরকম করে ম্যানেজ করার লাভ করো, তোমাকে শুনতে তো হবে, কিছু করার নেই, মেয়ে হয় যেহেতু জন্মে শুনতে হবে। তো চলো, বাকি ভিডিওটা এখানে শেষ করছি।